बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। राज पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप पर दिखाने का आरोप है। राज कुंद्रा और रयान थारप को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। और इस पूरे मामले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने एक्टर राजा मुराद जी। सर स्वागत है आपका लाइव लगातार में। धन्यवाद सर। जैसा कि आपको पता है कि कुंद्रा जी की गिरफ्तारी कल रात 11 बजे हुई है, तो इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे मुल्क का कानून है वो ये कहता है कि जब तक मुल्जिम पर जुर्म साबित नहीं होता तब तक वो बेगुनाह है। अभी पुलिस ने आरोप लगाए हैं, उनको गिरफ्तार किया है, फिर चार्जशीट बनेगी, फिर मामला जो है कोर्ट में आएगा, प्रोसिक्यूशन अपना पक्ष रखेगा, डिफेंस अपना पक्ष रखेगा, और जैसा कोर्ट मुनासिब समझेगी वो अपना फैसला सुनाएगी जी। तो अभी इस पे लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं जी, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। हम जज नहीं है, हम इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर नहीं है। मामला जो है वो काफी गंभीर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत ही गंभीर आरोप है। वो एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, उनका बड़ा फैला हुआ कारोबार है। अब इस मामले की तह तक पहुंचना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ है, ये तो खैर काम जो है वो पुलिस का है तफ्तीश करना जी। पुलिस का काम तफ्तीश करना है और बचाव पक्ष का अधिकार है अपना बचाव करना। हर भारतीय नागरिक को यह हक दिया गया है संविधान ने कि वो अपना बचाव कर सकता है, वो अपना बचाव करेंगे, वो अपनी बात कहेंगे। अब जैसा भी अदालत मुनासिब समझेगी अदालत फैसला करेगी जी। तो खुद जजमेंटल बनने के बजाय ये हम सब फैसला जो है अदालत पे छोड़ देते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस पे आरोप लगे अदालत उसे मुजरिम कह रहा है जी। सर सर इंडस्ट्री के ऊपर भी एक सवाल उठ गया है सर। देखिए, ऐसा है कि राज कुंद्रा जी का इंडस्ट्री से इतना ही ताल्लुक है कि वो शिल्पा शेट्टी के पति हैं। ये सवाल जरूर है, मतलब कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये आरोप जो है ये काफी गंभीर है जी सर। अब इसे सरकार भी गंभीरता से ले रही है, पुलिस भी ले रही है। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये बात जो है ये इसका फैसला तो सिर्फ और सिर्फ अदालत कर सकती है, पुलिस नहीं कर सकती है जी। सर सवाल उठ रहा है कि सर सोशल मीडिया पर कि लोग कह रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी को पहले हो सकता है कि पता हो ये बातें। अब देखिए, ये तो घर का मामला है, अब पता हो भी सकता है और पता नहीं भी हो सकता है। तो इसका जवाब तो शिल्पा शेट्टी दी दे सकती हैं कि उन्हें पता था या नहीं पता था, ये तो कोई जाने। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं मियां बीवी के दरमियान जो वो जानते हैं एक दूसरे के बारे में, कुछ बातें जानते भी नहीं हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं वो बात भी सामने आ जाएगी जी सर। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अब आपको समझाते हैं कि कैसे चलता था ये खेल। समझाने के पहले आपको ये बता दें कि ये सारा मामला आरोपों के मुताबिक आपको बताया जा रहा है। अश्लील फिल्मों के लिए हॉटशॉट नाम की ऐप बनाई गई थी। रोल दिलाने के नाम पर जरूरतमंद लड़कियों को ट्रैप किया जाता था। लड़कियों को अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर करते थे। फिल्म बनने के बाद ऐप और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाता था। किराए पर लिया गया था एक बंगला। ये बंगला मुंबई के मलाड में है। जब छापा पड़ा उस समय बंगले में चल रही थी अश्लील फिल्म की शूटिंग। व्हाट्सएप चैट पर चलता था पूरा खेल। अब आपको बताते हैं कि आखिर व्हाट्सएप चैट में क्या मिला है। तो आपको बता दें कि ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप का नाम था एच अकाउंट और ग्रुप के सदस्य जो थे उनके नाम इस प्रकार हैं: राज कुंद्रा, मेघा वियान, प्रदीप बख्शी, रॉ इवांस, रॉ डिजिटल मार्केटिंग हॉटशॉट। अब आपको बताते हैं कि 10 अक्टूबर 2020 को जो व्हाट्सएप चैट हुआ है उसमें क्या कुछ था।
कुल ऑर्डर 1433, कुल क्वाइंस 3,32,483, कुल सेल 4,40,363। इस महीने में अब तक सेल 27,81,551। अब आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप चैट में 20 अक्टूबर 2020 को क्या कुछ मिला था। कल कुल सेल 2,69,914, लाइव रेवेन्यू 2,23,375, मूवी रेवेन्यू 4,59,939, कुल रजिस्ट्रेशन 19,39,699। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में दर्ज किया था ये केस। अश्लील फिल्में बनाकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाती थी। राज कुंद्रा से पहले पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपों के बयान और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई। अब आपको बताते हैं कि उन पर दफा क्या क्या लगा है। आईटी कानून की धारा 67 और 67A उन पर लगाया गया है। आईपीसी की धारा 292, 293, 420, 34 और महिला अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम 2G, 3, 4, 6 और 7 के तहत ये धाराएं लगाई गई हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।